बच्चे हो या बड़े, सभी दिन रात स्मार्टफोन और सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। आजकल शब्दों से ज़्यादा इमोजी में अपनी बात को बयां करने का चलन लोकप्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन इमोजी में हमेशा पीला रंग ही क्यों होता है? सुबह आँख खुलते ही नज़र सबसे पहले फ़ोन पर जाती है। कुछ प्रियजनों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने के सिलसिला रात को गुड नाइट तक कहने तक चलता है। इसी के साथ में दिन भर की कई तरह के खुशी, गम, उत्साह जैसे इमोशन जताने वाले स्माइली या इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। इमोजी यानी ऐसे सिंबल जो हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं। इमोजीपीडिया में इमोजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर इमोजी की भरमार है। दिन भर इनका इस्तेमाल करने के बावजूद आपको यह नहीं पता होगा कि इसका ज़्यादातर इमोजी पीले रंग के क्यों होते हैं। स्मार्टफोन या सोशल नेटवर्किंग साइट में चैटिंग करना सभी को पसंद होता है। सोशल मीडिया पर चैटिंग करने के दौरान यूजर्स शब्दों से ज़्यादा इमोजीज का इस्तेमाल करने लगे हैं। प्रेजेंट में सोशल मैसेजिंग साइट्स पर इमोजी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। पुरानी इमोजी इसी को के समय के साथ काफ़ी बेहतर किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इमोजीज का कलर पीला ही क्यों होता है? अगर आपने अभी तक इस बात पर गौर नहीं किया है तो आज जानिए इसके पीछे का कारण। इमोजीज और स्माइलीज को लेकर स्विफ्ट मीडिया में एक स्टडी की है। लाइट हाउस अरेबिया के डायरेक्टर और दुबई के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सलीहा फ्रेदी की माने तो आप जब भी अपनी भावनाओं को चेहरे से नहीं दिखा पा रहे तब इमोजी फास्ट, आसान और सही तरीके से काम करता है। इसके जरिए लोग अपनी भावनाओं के बिना शब्दों के से आसान से व्यक्त कर सकते हैं। इमोजी के पीले रंग के पीछे फिलहाल कोई रिसर्च नहीं की गई है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इमोजी का रंग व्यक्ति के स्किन टोन से मिलता जुलता बनाया गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हंसता और खेलता हुआ चेहरा पीला लगता है, इसलिए इमोजी का रंग पीला होता है। सिर्फ यही नहीं, स्टिकर्स और गुब्बारे वाले आइकन्स का रंग भी पीला होता है। यह रंग खुशी का प्रतीक होता है। वहीं ऐसे भी तर्क किया जाता है कि हंसता हुआ चेहरा पीला बैकग्राउंड पर ज़्यादा बेहतर दिखता है।